दोस्तों, हम घर से फाइनली निकल चुके हैं दोस्तों। अभी हम बस में हैं, बस दोस्तों यहाँ पे रुकी हुई है हापुड़ के आसपास। कुछ बढ़िया व्यू दिखता है दोस्तों, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी हम ब्रिज घाट के किनारे हैं और बारिश भी होना शुरू हो गई है दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं। हम दोस्तों इसी नाव से अभी आए थे, जो हमने स्नान ध्यान एकदम कर लिया है। तो पांडवों ने पिंडदान किया था दोस्तों, अब दूर तक देख सकते हैं गंगा नदी का स्वरूप। इसलिए कहते हैं कि यहाँ शिव जी के गणों का तरन तारण किया माता गंगा ने, इसलिए यहाँ ये स्थान विख्यात है। पिंडदान तो होते ही हैं, पांडवों ने किया है। पांडवों का यहाँ नक्का कुआ बोलते हैं, वहाँ भैरव मंदिर भी है गढ़ में, गंगा मंदिर भी है, यहाँ देखने लायक पांडवों का कुआ है। दोस्तों आप वहां देख सकते हैं कि तट के किनारे बहुत ही सुंदर खूबसूरत मंदिर मौजूद है, अभी दर्शन के लिए आ सकते हैं दोस्तों आप सब भी। दोस्तों आप सब देख सकते हैं नदी के तट के किनारे ज्यादातर लोग स्नान कर रहे हैं और नाव भी खड़ी हैं आसपास। दोस्तों आप देख सकते हैं गढ़मुक्तेश्वर नदी के तट के किनारे दोस्तों यहाँ का ये क्लॉक टावर है, जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है अंकल जी, इस नाव के नाव चालक, इन्होंने हमें पूरे गंगा नदी का दर्शन कराया है दोस्तों। दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ की गढ़मुक्तेश्वर की मेन मार्केट में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ है बाजार लगे पड़े हैं, खिलौने के बाजार, चूड़ियों के बाजार, सब तरह की यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों आपको। पानी भरने के लिए इस यहाँ पे डब्बे मिल जाएंगे गंगा जल घर ले आने। जवाब खाने में
आप दिक्कत। गढ़मुक्तेश्वर से फाइनली निकल चुके हैं दोस्तों, अब घर के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।